हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए महिंद्रा सेंट्यूरो का एक्चुअल शोरूम लुक, हाउ द बाइक लुक्स इन द शोरूम। तो जैसे कि देख रहे हैं, हमेशा हम लोग इसके फ्रंट लुक से शुरू करते हैं बाइक के। तो सामने आप देख रहे हैं जैसे कि पूरा जो आपका हेड लैम्प हो गया, काफ़ी एरिया वाइड है, आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी इससे मिल जाएगी। बाकी जैसे जो ऊपर की फेयरिंग देख रहे हैं, आपको पूरी ब्लैक फिनिश में मिल जाती है, शाइनी ब्लैक पे, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है देखने में। जो इसका पूरा ओवरऑल लुक आ रहा है फ्रंट का, काफ़ी ब्रॉडर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। चलते हैं दोस्तों साइड में, साइड से देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ये डिस्क ब्रेक मॉडल है, आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं इधर इंजन कंपार्टमेंट की तरफ। इंजन कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ, पहले मैं एज अ होल लुक दे देता हूँ बाइक का कि पूरी बाइक कैसी लगती है देखने में। तो इंजन कंपार्टमेंट की दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, तो पूरा आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। 110 सीसी का इंजन है। फ्यूल कैपेसिटी इसकी दोस्तों लगभग 12 लीटर है, तो 12 लीटर तक आपका इसमें पेट्रोल आराम से आ जाएगा। जो इसकी गोल्डन फिनिश दी गई है, जो आप पाइप्स देख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। पीछे आपको सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ। तो पीछे जैसे आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट पे आपको ये सिल्वर जो क्रोम कवर है वो मिल जाता है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। सेंट्यूरो का पीछे आपको बैजिंग मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जो स्टिकर शेप में आपको दिया गया है। पीछे की साइड आप देखते हैं तो आपकी ये ब्रेक लाइट होगी, नीचे का नंबर प्लेट एरिया हो गया। चलते हैं दूसरी साइड बाइक के। तो ऐसा कोई आपको चेंज नहीं मिलता है, जो ग्राफिक्स आपको उस टाइप मिल जाते हैं, इसी साइड आपको वही चीज़ मिलती है। सेंचुरो जैसे डिस्क ब्रेक का जो ग्राफिक है वो मिल जाता है, जो स्टिकर है। अब दोस्तों इसके आप देख रहे हैं जो ऊपर की जो सीट्स वगैरह मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो जो आपको ग्रैब हैंडल मिलता है पिलियन के लिए, वो शाइनी ब्लैक में मिल जाता है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। जो इसकी सीट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, प्लश है, जैसे मुझे फील हो रहा है टच करके। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, देख लेते हैं आगे से गाड़ी कैसी लगती है। तो हम लोग आ गए हैं इसके फ्यूल टैंक पे। तो फ्यूल टैंक भी आपको पूरा शाइनी ब्लैक में मिलता है। बीच में जो लिड है इसकी, वो आपको मिल जाती है पूरी सिल्वर फिनिश पे, डल सिल्वर फिनिश, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। चलते हैं इसके मीटर्स की तरफ। तो ये आपको मिल जाता है आपका किलोमीटर्स, जो स्पीडोमीटर है, बीच में किलोमीटर्स डन, फ्यूल गेज, यहाँ पे आपके जो इंडिकेटर्स हो गए नॉर्मल जो हर बाइक में होते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, इंडिकेटर हो गए, हाई बीम हो गए, वो सब आपको यहाँ मिल जाता है। ये आपका की इंसर्ट एरिया हो गया। इसके अलावा आपको अगर मैं लाइट दिखा दूँ यहाँ पे कि जो बटन्स वगैरह हैं, ये आपकी पास लाइट हो गई, ये हाई बीम हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, ये आपके दोस्तों हॉर्न हो गया, इधर आप देख रहे हैं तो आपका इग्निशन हो गया। ऊपर देखते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक का ऑयल मिल जाता है, जो आपका डिस्क ब्रेक की फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो इसकी की, जो महिंद्रा की बाइक की हमेशा ही अलग रहती है, फ्यूचरिस्टिक रहती है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं पूरी आपको नॉर्मल, जैसे आपको ओपनिंग करनी से किसी कार की जैसे की होती है, वैसे आपको इसे मिल जाती है। इसके आपको अपनी बाइक को कभी ढूंढना है साउंड के साथ या विदाउट साउंड के, तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं। ऊपर आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है। तो की भी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ओवरऑल लुक है, तो इसलिए और मैं शेयर करा आपको मैंने की इसकी बाइक की। किसी और बाइक में आपको ऐसी की नहीं मिलती है। जो इसके जो पूरे जो रियर व्यू मिरर है वो आपको पूरे ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। तो दोस्तों इस बाइक के बारे में और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं कंपनी का लिंक दूंगा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। देखते रहिए तब तक ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।